बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे मेरे बहन भाई, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी दौरान जो मेरे चैनल पर नया नज़र आता है, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो भी वॉच किया करें, हेल्प करें एक दूसरे की। एक दूसरे की हेल्प से ही हम लोग आगे जा सकते हैं। तो आ जाते हैं रेसिपी की तरफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ हरी मिर्चें। हरी मिर्चें किस तरह से बनती हैं ज़बरदस्त, वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। चावल के साथ भी इसको खा सकते हैं, दाल के साथ, रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको खा सकते हैं। हालांकि बच्चे भी खा सकते हैं इसको, इतनी इजी हो जाएंगी। वरना बच्चे जो है हरी मिर्चें नहीं खाते, ये आँखों के लिए और ज़्यादा अच्छी होती हैं, फ़ायदेमंद होती हैं, तो ये हमें खानी चाहिए। ठीक है, ये मैंने मिर्चों को कट्स लगा के इनके बीज निकाल लिए थे। किस तरह से कट्स लगाना है, इस तरह से बिल्कुल पतले मूँग की छुरी लेंगी ना आप, ऐसे कट लगाएं इस तरह से। ये देखिए इजी बीज जो है इसके बाहर निकल आते हैं। ऊपर से बस थोड़ा सा कट लगाएं, बीज निकल आए। इस तरह से आपने सारे बीज निकाल लेने हैं। ठीक है, इसी तरह से मैंने ये सारी खाली कर दी है। आप चाहें तो अगर कच्ची हैं तो आप उनमें बीज रहने भी दे सकते हैं। ठीक है, ये हटा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है ज़ीरा, कुटा हुआ ज़ीरा है, और कुटा और भुना हुआ ज़ीरा है, पीस लिया था इसको मैंने। ठीक है, एक चम्मच ये है खाने का, एक चम्मच जो है हमने एक ही मिकदार में, एक चम्मच मैंने ले लिया है नमक, और दो से तीन चुटकी हल्दी, और एक बड़े साइज़ का लेमन। लेमन इस तरह से लेंगे हम लोग, इसको हल्दी लग गई है, इस तरह का लेमन होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कटिंग करते हैं। आजकल जो लेमन आ रहे हैं ना, तो वो जो हैं रस वाले नहीं हैं, तो इसीलिए रस वाले नींबू चाहिए, तो हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ज़ीरा जो है और ज़्यादा अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए, इसके इसके अंदर एक चीज़ और भी जाएगी, वो मैंने नहीं उठाई। अदरक अदरक जो है, अदरक लहसुन का पेस्ट भी हम शामिल कर लेते हैं इसमें। हाथ दे के इसमें जो है हम इस तरह से हम इसका गूदा भी निकाल देंगे, गूदा भी ऐड कर लेंगे, और बीज जो है हम इसके रिमूव कर लेंगे। ये देखिए मैंने गूदा भी निकाल लिया है, अच्छे से निकाल के हटा लेना है। यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट है, आप चाहे तो कूट के भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये वही पेस्ट है जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, वो आप देख सकते हैं। एक चम्मच भर के टीस्पून है ये। ठीक है, एक टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी हमने इसमें शामिल कर देना है। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए, और इसको हम इसके साथ मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तरह से मिक्स करके इसके अंदर हम यूं भर लेंगे मिर्चों को। इस तरह से भर के हम जो है, इसके बाद इस तरह से भरते हुए इसी तरह से मैं सारी भर लूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से इतना ज़्यादा हैवी नहीं भरनी है इसमें, इस तरह से सारी भर के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है 2 चम्मच खाने के, और मिर्चें जो है मैंने इस तरीके से भर ली हैं। ठीक है, ऑयल इतना ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस नॉर्मल होना चाहिए। इसको हम इस तरह से रखते जाएंगे। बड़ी भी ले ली हैं आपके सामने मैंने, छोटी भी ले ली हैं, इस तरह से आप बना के
चावल के साथ, दाल के साथ तो बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। बना के ट्राई करिएगा कितनी मज़ेदार होती हैं ये। अभी हम इसको इस तरह से एक साइड पकने देंगे। चूल्हा हमारा मीडियम टू लो है तो हम इसको अच्छे से पकाएंगे। ये ज़बरदस्त हो जाती हैं ये मिर्चें। खूबसूरत इन पे कलर आता है। एक दफ़ा बनाएंगे तो आपका दिल करेगा बार बार बनाएं। आप इसको बना के फ्रिज में रख सकते हैं नीचे 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए आप इनको खा सकते हैं। वही टेस्ट होगा और ये ज़बरदस्त बनती है। हमने इनकी चारों साइड पकानी है तो इसको थोड़ा हिलाते रहेंगे। कलर देखो माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा आ रहा है और खुशबू ज़बरदस्त आती है इसकी। मेरे खुद ब खुद खुल गई है। बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी बनती है। मेरे घर में माशाल्लाह से बड़े शौक से खाते हैं तो मैंने सोचा आपके साथ भी मैं ये रेसिपी जो है वो शेयर कर लूँ। आप लोग भी बनाएं, ट्राई करिएगा बना के, फिर मुझे इसका बताइएगा कि कैसी बनी। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है। बिल्कुल स्लो आंच है, मीडियम टू लो है जो आंच है, इतना ज़्यादा नहीं करेंगे। हैवी चूल्हा ज़्यादा खोल दिया ना तो ये हैवी चूल्हा, यानी कि मैंने, मेरे कहने का मकसद था कि ज़्यादा चूल्हा खोला तो ये जल जाएंगे तो खुशबू बहुत ज़्यादा आने लग जाएगी, तो इस वजह से इसका चूल्हा जो है मीडियम टू लो करेंगे। ये देखें 2 से 3 मिनट में इतनी मज़ेदार सी हमारी हरी मिर्चें रेडी हो जाती हैं। इसका ऑयल भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, ऑयल को भी प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे आप लोगों के सामने। तो हम प्लेट में ट्रांसफर कर देते हैं। अभी मैं इनका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। चलिए, मज़ेदार सी हमारी हरी मिर्चें जो हैं वो रेडी हो गई हैं। आप इनको चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं, इसको दाल के साथ बहुत ही बेस्ट लगती हैं। आप रोटी के साथ, सालन के साथ भी खा सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर किया करें। इंशाल्लाह आ जाएंगे नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।